पिछले 12 घंटों में उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जनपद के चारों कोने से हत्याएं और चोरी की खबरें मिली हैं, जिससे पूरे जनपद में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। हालांकि इस वारदातों पर पुलिस सक्रिय है, पर फिर भी मूक दर्शक की भूमिका में नजर आ रही है। बता दें, मधुबन थाना क्षेत्र के खडीचा गांव में जमीनी विवाद को लेकर लाठी डंडों से पीट पीट कर दो लोगों की हत्या का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जिससे पूरे इलाके में सन्नाटा फैल गया है। तो वहीं जिले के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के ढाडा चवर गांव में दबंगों ने महिला की पीट कर हत्या कर दी और महिला को बचाने आए एक दर्जन लोग घायल हुए हैं। हालांकि पिछले 12 घंटों के अंदर में जिस तरह से एक के बाद एक वाकया सामने आया है, उससे साफ जाहिर होता है कि जिले की कानून व्यवस्था बिल्कुल फिश हो गई है। हम उस जो भी हैं उन समझदार हैं, 9:30 बजे की बात, सुबह 9:30 बजे उसके आसपास जो है कि वो लोग प्लानिंग करके पहले से ही घर पे बैठे थे। 9-10 लोग थे वहाँ पे। प्लानिंग करने के बाद जैसे वो लोग घर से निकले बाहर जाने के लिए, उनका रास्ता वही है जाने के लिए, जैसे ही निकले बाहर जाने के लिए उन लोगों ने जो है कि हमला कर दिया। हमला करने के बाद एक गए और सब मारते गए और डंडे हथियार वथियार सब रखे थे। किसी की उंगली कटी, किसी का सर फटा और किसी का गर्दन पे लगा, और ये महिला को काफ़ी चोट लगने की वजह से और इसकी तुरंत वहाँ पे तत्काल मृत्यु हो गई है। और सभी लोग, जितने लोग हैं, 4-5 लोग घायल हैं उसके घर में, वो लोग अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। फिलहाल स्थानीय लोगों ने सभी मामलों में ग्रामीणों ने पूरा संयम दिखाया है। वहीं कानून व्यवस्था को फेल के मद्देनजर जिलाधिकारी से सवाल किया तो उनका कहना था कि जिले में कानून व्यवस्था ठीक है, दो मामलों में जमीन नाली के विवाद में हत्या हुई है। देखिए, अभी जो पिछले 12 घंटों में कुछ घटनाएं सामने आई हैं, उसमें दो घटनाएं हैं। एक नाली का विवाद था और एक जमीन का विवाद था, और जिसमें एक जगह एक वृद्धा और वृद्ध जो 70 साल से ऊपर थे, उनके साथ मारपीट के बाद ये दुखद घटना सामने आई है, जिसमें उनकी मृत्यु हुई। और एक जगह और भी वृद्ध व्यक्ति थे जिनका जमीन के विवाद में हुई। दोनों जो घटनाएँ थी, कोई ऑर्गेनाइज जो गैंग है या कोई गुट है, उन द्वारा नहीं की गई, बल्कि एकाकी रूप से जो ऑटो फ्लेयर जो घटनाएं थी वैसी घटनाएं थी। एक जगह एक सुनियोजित ढंग से जैसा कि घटना की कोशिश की गई, और लेकिन उसको सांप्रदायिक रंग देने का भी प्रयास किया गया। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा मऊ जनपद की जनता को, खासकर शहर की जनता को, कि अभी अलविदा की नमाज बड़े कुशलता से शांति से संपन्न हुई। और जो भी घटनाएं हैं, एकाकी भी हुई हैं या ऑर्गेनाइज ढंग से हुई हैं, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और कल रात से ही 11:30 से उस पर लगे हैं। और निश्चित रूप से आप इसको जाने की, जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे, बहुत ही कड़ी कार्रवाई होगी, बहुत ही कड़ी। नेक्स्ट नाइन न्यूज के लिए मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट।